सो हे गाइस, दिस इज तुषार और आज और एक वीडियो के साथ हम आ चुके हैं हमारे YouTube चैनल पे। सो गाइस, आपने थंबनेल में देख के लिया है कि अपन आज किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो अपन बहुत क्रंची टॉपिक पर बात करने वाले, जो ट्रेंड है अभी इंडिया में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आदि पुरुष के ऊपर और मैं आपका दोस्त तुषार आर्टिस्ट। आज अपन करेंगे इसका VFX रिव्यू विथ देयर बजट एंड देयर कंटेंट। सो गाइज, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसकी VFX की बात करूँ तो गाइज, ये मुझे लग रहा था कि 2001 या 2 का VFX है, जिसमें मोटू पतलू या फिर बोल सकते हैं छोटा भीम, ऐसा वाला VFX इन्होंने बनाया है। और इन्होंने जैसे इसकी कॉस्ट अगर मेंशन किए तो इन्होंने 600 करोड़ मेंशन किए गाइज। सो ये 600 करोड़ के लिए वर्थ इट मूवी नहीं थी, एटलीस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ डिजर्व करती है मूवी, और उससे भी कम मैं बोल सकता हूँ। और सेकेंड थिंग, इन्होंने बहुत लो लेवल के एलिमेंट्स और इन्होंने कैरेक्टर जो डिजाइन है वो उन्होंने जब हनुमान जी के जो ओल्ड मूवी, अगर आपने ओल्ड रामायण देखी, उन्होंने उसमें कैरेक्टरिस थे और इन लोगों ने उसको बंदर बना दिया गाइस। और सेकेंड थिंग, टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी बहुत ही घटिया है गाइस इस मूवी की। और मैंने बहुत लोगों से इसके रिव्यू सुने हैं कि आपको कैसा लगा VFX, टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और सेकंड अगर बात करेंगे, मेन जो टॉपिक होता है इंडिया में अभी कंटेंट चल रहा है गाइस, और कंटेंट के मामले ये मूवीज बहुत वर्स्ट है गाइस। ये नो पैसा वसूल, नथिंग, और फिर भी कुछ बॉलीवुड में कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रही है कि इस मूवी इज गुड। भाई तुम कंटेंट में क्या दिखा रहे हो, तुम पूरा अपनी रामायण को बेइज्जती कर रहे हो गाइस। हनुमान जी वहां पर अपने बाप और ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। और अगर सीता माता को देखा जाए तो सीता माता को आप देख ही रहो कैसा कैरेक्टरिस दिया है उन लोगों ने। और अगर मैं बात करूं राम की, रावण की और लक्ष्मण की, हनुमान जी की, कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है उसके टॉपिक से। तो गाइज, मैं अगर बात करूँ इनकी जो इन्होंने डायलॉग्स दिए हैं और इन्होंने स्क्रिप्ट दिए हैं, तो स्क्रिप्ट और डायलॉग के मामले में ये जीरो लेवल की मूवी है गाइज। और इन्होंने कुछ भी चीज़ें फॉलो नहीं की है, इन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा बना दिया है। और जैसे इनको इनके डायरेक्टर है बहुत जाने माने डायरेक्टर ओम, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इतना घटिया कंटेंट बनाया इन लोगों ने। और सेकेंड बात, कोई इसका राइटर और जो आर्टिस्ट है, जो राइटर है जिन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं, तो कुछ दिनों से वो बहुत अपने वीडियोस बना के क्रेडिट ले रहे हैं, बट भाई वो क्रेडिट तुम डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि तुमने बहुत घटिया डायलॉग्स लिखे हो। तुमने मजबूर कर दिया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद करना ही है। सो अगर VFX में आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस किए, इन लोगों ने ट्रीजर में जो शॉट डाले थे, जैसे कि कुछ ड्रैगन के शॉट्स है या फिर कुछ और शॉट है, तो भाई मुझे पक्का देख के हंसी आ रही है। मैं आपको इसको स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, तो आप एक बार ये देखो इन्होंने कितना घटिया बनाया है। और मुझे लगता है इन्होंने ये हाउस ऑफ ड्रैगन से थोड़े दिन के लिए रेंट पे लिया था, वापस दे दिया। और टर्म्स ऑफ रावण, तो रावण ये अपनी बेइज्जती सहन नहीं करेगा, क्योंकि रावण जो था वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था गाइस। आपको भी जहाँ तक के पता, हर बच्चे बच्चे को पता है कि रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, वो सोने के आभूषण पहनता था, और हमारे मूवी में उसको खिलजी बना दिया है गाइस। और उसको बियर्ड है, उसने हेयर कट करवाया है। उस समय पता मे बी रावण कोई सलून में ज्वाइन हुआ था, मे बी उसकी मेंबरशिप उसको मिली हो। तो ये लोग बॉलीवुड इंडिया के कंटेंट, एक इंडिया की इतनी बड़ी एक इंडिया की इतना बड़ा कंटेंट जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है गाइज, इन्होंने उसका मजाक उड़ाया गाइज। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड हूएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और गाइज, ऐसे ही आपको अच्छे कंटेंट की अगर और ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।